ऑल इंडिया बटवाल बरादरी वेलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर बटवाल कौम के हीरे लाल चंद यमला के नाम से डिस्पेंसरी का नाम और यमला जट पार्क तो यमला जी के घर जाती हुई सड़क का नाम कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु मैडम ममता आशु ते कौंसलर बलजिंदर सिंह बंटी जी ने सांझे तौर पर रखिया जिस विच बरादरी दे मेंबर चेयरमैन रविंदर बग्गा त्रिलोक मोंटन जतिंदर बग्गा सरबजीत चिमटेवाली जसबीर जस सुख चमकीला बलविंदर बावा सुरेश यमला आदि हाजिर सन रिपोर्ट जन कल्याण टीवी तो पत्रकार रविंदर जिमी क्लीनिक बनाया गया सब तो पहला तो मैं इलाका निवासियों ये मुबारकबाद देना और धन्यवाद करता कारपोरेशन का इतने के काउंसलर साहब का जिन्होंने मेहनत करके बनाया जो डिमांड रही है साडे हल्के दे नाल एड्डी वड्डी शख्सियत इतने जुड़ी हुई है जिन्हों का नाम अज सारी दुनिया के कोने कोने लिया जाता है जेडे पंजाबी कल्चर के हमेशा एक पहरेदार रहे हैं मरहूम साढ़े यमला जट जी उन्हां दे नाम ते असी इस डिस्पेंसरी का नामकरण करते हैं नाल जिहड़ी सड़क है वह अनाउंस करते हैं उन्हां दे नाम ते सड़क का नाम रखा जाएगा ऑलरेडी प्रोसैस उहदा शुरू हो चुका है ते नाल उन्हां दे नाम ते एक लाइब्रेरी इस्टैबलिश की जाएगी ते नाल दी नाल बटवाल सभा जिहदे नाल उह रिलेटड रहे ने उन्हां नूं जो फाइनैंशियल मदद है वो उन्हां दी चैक बन चुका वो असी इन्हां नूं हैंड करांगे सर असी ऑल इंडिया बटवाल बरादरी वालों एक प्रोग्राम रखा गया जिस भारत भूषण आशु जी कैबिनेट मंत्री साहब उन्होंने इनवाइट किया गया तो यमला जट पार्क के नाल बिल्कुल एक नवी डिस्पेंसरी बनी है जिसका नाम मंत्री साहब ने यमला जट के नाम के उत्ते अलाउंस करके गए है तो जोड़ा नाल का एक बस स्टैंड तो रोड जा रहा अंदर जवाहर नगर च उन्होंने रोड का नाम ही उस्ताद लालचंद यमला जट जी रख दिता अज तो बहुत धन्यवादी हाँ असी आई संगत का भी तो मंत्री साहब जी का भी बहुत धन्यवाद हाँ ऑल इंडिया बटवाल बरादरी वेलफेयर एसोसीएशन वालों बहुत बहुत धन्यवादी हाँ असी अज असी यमला परिवार तो ऑल इंडिया बटवाल वेलफेयर सोसायटी वालों इत्थे यमला पार्क विखे जिथे यमला जी का बुत सुशोभित है उन्होंने निघे सदे से अज असी आए हाँ मंत्री साहब नाल ने वजीर साहब साढ़े ते कुछ डिमांड सीगियां यमला परिवार दियां ते बटवाल बरादरी दियां क्योंकि बटवाल यमला जी बटवाल बरादरी नाल ही संबंधित सीगे ते उन्हां डिमांड्स नूं उन्हां दे विचों सी आ जिहड़ी अज इक असी उद्घाटन कीता चेस्ट क्लीनिक दा डिस्पेंसरी दा उहदा नां लालचंद यमला जट जी दे नां ते रखिया जावे ते पार्क तो उन्हां दे घर नूं जांदे होए जिहड़ा रोड है उहदा नां लालचंद यमला जट मार्ग रखिया जावे ते इक लाइब्रेरी वल्लों तो मैं आप जी नूं दसदे हुए बहुत ही इस गल दे विच कि तीनों मंगा साडे वजीर साहब ने मंजूर कर लिया और वो तिना चीज़ां नूं असी इंप्लीमेंटेशन दे देवांगे मैं सरबित यमला डॉट इन लाशी लालचंद यमला जट अज बड़ा फकर है बड़ी खुशी की गल है कि बटवाल एसोसीएशन वालों बहुत वड्डा उपराला किया गया हैगा बटवाल बरादरी वालों हैगा साडे चेयरमैन रविंदर बग्गा जी चेयरमैन बग्गा जी और सारे वालों बहुत वड्डा असी उपराला किया अज कि जिहड़ी लालचंद यमला जट पार्क है साडे फादर इन लॉ दे नाते उहदे नाल एक डिस्पेंसरी है नवीं खुली है जो साडे बलजिंदर बंटी जी की बड़ी अपार कृपा हुई उस डिस्पेंसरी ते उहदा नाम श्री लालचंद यमला जट साडे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण जी जिन्हां नूं असी अज इनवाइट किया इत्थे उन्होंने उस डिस्पेंसरी का नाँ अलाउंस किया श्री लालचंद यमला जट और पार्क के नाल लाइब्रेरी खोलन का भी सानू बहुत भरोसा दवाया और जिहड़ी साडे घर मतलब यमला जट घर रोड जाती है उहदा नाँ यमला जट पार्क रखा गया साडे कैबिनेट मंत्री श्री भारत भूषण आशु जी जिहड़े कि साडे बहुत ही हरमन प्यारे कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने अगे भी साडे परिवार लई बहुत कुछ किया और हुण भी साडे परिवार लई बहुत वड्डा एक तोहफा है साडे बजुर्गों का जिहड़े नाँ दे विच डिस्पेंसरी का नाँ और पार्क का नाँ और लाइब्रेरी का नाँ बटवाल बरादरी वालों मंग की गई सी वो भारत भूषण आशु जी ने जो पूरी की है असी यमला जट फैमिली वालों भारत भूषण जी के बहुत बहुत धन्यवादी हाँ और रविंदर बग्गा जी के बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने साडे परिवार लई बहुत वड्डा एक कदम चुकया थैंक यू क्योंकि
ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਾ ਬਾਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੁਰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਵਗਦਾ ਸੀਨਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਬਿਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਜਾ ਸੰਗਤ ਪਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਇਆ ਦੁੱਖ ਬਹਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਐਸਾ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੂੰ ਆਕੜ ਫੱਲੀ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਫੱਲੀ ਦਾਤਾ ਬਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ